सिनेमा के हीरोज को रोल के मुताबिक अपना वजन घटाना या बढ़ाना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेज होता है, इसलिए इसमें मेहनत के साथ बेसिक साइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपना वजन कम किया है। इसमें खास बात यह है कि उन्होंने अपना फेट मास 39% से घटाकर 7% कर लिया है। उस पर भी उन्होंने ये सब बिना किसी स्टेरॉइड की मदद के किया, और वो भी मात्र 14 महीनों में। इतना तेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव है, ये समझने के लिए हमें इसके पीछे का साइंस जानना होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको फेट मास और मसल मास, इन दोनों के बीच का फर्क समझाऊंगा, और साथ ही हम जानेंगे कि एक स्वस्थ शरीर में कितनी मसल और कितना फैट होना चाहिए, कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में फैट और मसल मास का अनुपात क्या है, फैट मास कैसे कम किया जा सकता है, हम मसल मास को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैट और मसल दोनों को मापने की यूनिट एक ही है, ग्राम। इनके बीच का फर्क है तो बस डेंसिटी यानी कि घनत्व का। इसका मतलब है कि बराबर वजन के मसल और फैट आकार में एक दूसरे से बहुत अलग होंगे। फैट और मसल में क्या फर्क है? हमारा वजन सिर्फ इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, इससे इस बात का पता भी नहीं लगाया जा सकता कि हमें किन बीमारियों का जोखिम हो सकता है। समान लंबाई और समान वजन वाले दो लोग एक दूसरे से बहुत अलग दिख सकते हैं। जिसके शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा वह अपेक्षाकृत मोटा दिखेगा, जबकि जिसके शरीर में मसल परसेंटेज ज्यादा होगा वह अधिक फिट और सुडोल दिखाई देगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर हमारे शरीर में 10 से 20% फैट बढ़ जाए तो हम अजीब से फूले हुए नजर आएंगे, जबकि 10 से 20% मसल बढ़ जाए तो हमारा शरीर अधिक सुडोल दिखाई देगा। हमारे शरीर में मसल और फैट का क्या काम है? सबसे पहले बात करते हैं फैट की। फैट जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की सेल्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं मसल की। मसल हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, खून की पंपिंग के लिए भी जरूरी है, सांस लेने बोलने के लिए भी जरूरी है, सीधे खड़े रहने बैठने चलने और फिजिकल मूवमेंट के लिए भी जरूरी है, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी ये जरूरी है, बच्चे के जन्म के लिए भी ये जरूरी है। क्या है कीटोसिस, जिसका कार्तिक आर्यन ने लिया सहारा? सबसे पहले ये समझिए कि हमारा शरीर ऊर्जा के लिए कार्ब्स और फैट पर निर्भर है। कार्ब्स मसल और लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में इकट्ठा होता है और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के रूप में सर्कुलेट होता है। अगर हमारे भोजन में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है तो शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, वही अगर हम कार्ब्स कम खाएं तो हमारा शरीर जमा फैट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने लगता है। अगर हम उपवास रखते हैं तो उस दिन भले ही कुछ ना खाएं पर शरीर को तो ऊर्जा की जरूरत होती है, तब वह शरीर में जमा फैट को ही ऊर्जा का स्रोत मानकर इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया को ही कीटोसिस कहते हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कार्तिक आर्यन ने फैट कम करने के लिए इसी प्रक्रिया का सहारा लिया है। हर दिन उपवास रखना तो संभव नहीं है, इससे शरीर में कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी हो सकती है जो कि बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसे में हमें अपने भोजन से कार्ब्स कम करने होते हैं, जैसे रोटी चावल फल और चीनी वगैरह। इसकी जगह लो कार्ब्स और प्रोटीन रिच फूड बढ़ाने होते हैं, जैसे अंडे मछली चिकन और सीक। अब हमें ये समझना होगा कि फिट रहने और दिखने के लिए बॉडी फैट परसेंटेज कम होना आवश्यक है, लेकिन हम इसकी जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में कितना फैट है जरूरी? अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने उम्र और जेंडर के हिसाब से हर शरीर की फैट की जरूरत का एक चार्ट बनाया हुआ है। किस उम्र में कितना बॉडी फैट परसेंटेज है जरूरी? अगर आपकी एज 20 से 29 तक की है तो आपकी बॉडी में 7 से लेके 17% फैट परसेंट होना चाहिए। अगर आपकी एज 30 से लेके 39 है तो आपकी बॉडी में 12 से लेके 21% फैट परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपकी एज 40 से 49 के बीच में है तो आपकी बॉडी में 14 से लेके 23% फैट परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपकी एज 50 से लेके 59 है तो आपकी बॉडी में 16 से लेके 24% फैट परसेंट होना चाहिए।
और अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपकी बॉडी में 17 से लेकर 25% फैट परसेंटेज होना चाहिए। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो आपकी एज 20 से 29 है तो आपकी बॉडी में 16 से लेकर 24% फैट परसेंटेज होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 30 से 39 है तो आपके शरीर में 17 से 25 फैट परसेंट होना चाहिए। अगर आपकी एज 40 से 49 है तो आपकी बॉडी में 19 से लेकर 28% फैट परसेंटेज होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 50 से 59 के बीच में है तो आपकी बॉडी में 22 से 31% फैट परसेंटेज होना चाहिए। और यदि आप 60 प्लस हैं तो आपकी बॉडी में 22 से लेकर 33% फैट परसेंटेज होना चाहिए। कैसे जाने कि हमारे शरीर में कितना फैट है? हमारे शरीर में फैट ज्यादा है या मसल्स, ये तो सामान्य तौर पर किसी की बॉडी की शेप को भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कई बार बाहर से दुबले पतले दिख रहे लोगों का भी फैट मास ज्यादा और मसल मास कम होता है। या यदि आपने योग करके या साइकिल चलाकर अपना शरीर वजन कम भी कर लिया है तो भी जरूरी नहीं है कि जो वजन गया है वह सिर्फ फैट मास हो, वो मसल मास भी हो सकता है। इसके लिए मॉडर्न साइंस के पास कई तरीके हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में कितनी मसल्स और कितना फैट है? सबसे पहले है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये पता लगाने की सबसे पुरानी तकनीक है, लेकिन इससे एक्यूरेट पता नहीं चलता है कि शरीर में कितना मसल मास है और कितना मसल फैट का अनुपात है, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। सेकंड है WHR यानी वेस्ट हिप रेशियो, ये भी एक ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हमारी कमर और हिप का रेशियो पुरुषों में 0.9 और महिलाओं में 0.85 होना चाहिए। नंबर 3 क्लिपर्स। क्लिपर्स बाजार में बॉडी फैट क्लिपर्स उपलब्ध हैं। इनकी मदद से हम अपने शरीर में मौजूदा फैट की मात्रा को जांच सकते हैं। नंबर 4 है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, जिसको हम DEXA स्कैन भी बोलते हैं। शरीर में फैट और मसल मास का सही अनुपात जानने के लिए साथ ही बोन डेंसिटी को चेक करने वाली ये सबसे आधुनिक और विश्वसनीय तकनीक है। इसे DEXA स्कैन कहते हैं, जो अब बहुत से टेस्ट लैब्स और मेडिकल सेंटर्स पे भी उपलब्ध है। वेट लॉस का हेल्दी तरीका क्या है? वेट लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। हम अगर डेली लाइफ में छोटे छोटे कई बदलाव कर लें तो ये आसान हो सकता है। हेल्दी और पौष्टिक डाइट लें। वजन कम करने का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं होता, ये वजन कम करने का बहुत ही पुराना तरीका है। इससे कमजोरी और बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन शामिल किया जाए ताकि पेट भरा हुआ महसूस हो और मसल्स बढ़े। मीठी कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स जैसे हाईली प्रोसेस्ड चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कम खाना बेहतर विकल्प नहीं। वजन कम करने के लिए अगर कैलोरीज में कटौती कर दी जाए तो शरीर भूख से परेशान हो जाएगा। इसके कारण से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और ये हमारे वेट लॉस के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। अचानक वजन कम करने की कोशिश ना करें। स्वस्थ रहने के लिए वजन कम करने की सोच अच्छी बात है, लेकिन अचानक वेट लॉस करना भारी पड़ सकता है। एक हफ्ते में आधे से ज्यादा किलो वजन घटाने का ही लक्ष्य निर्धारित करें। हर दिन फिजिकल एक्टिविटी जरूरी। जरूरी नहीं है कि हर रोज जिम में जाकर पसीना बहाया जाए। लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाय सीढ़ियां चढ़ना, छोटी छोटी दूरी के लिए गाड़ी की बजाय पैदल जाना या साइकिल का सहारा लेना, ये भी फायदेमंद हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट से बना सकते हैं डाइट चार्ट। अगर खुद से डाइट प्लान बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, तो ये वेट लॉस को लेकर तय किया गया लक्ष्य पाने का मददगार हो सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं मसल मास? अगर आप लीन मसल्स बनाना चाहते हैं या मसल्स थोड़े बल्कि करना चाहते हैं तो ये तरीके आजमा सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। घर पर हैं तो पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट्स कर सकते हैं। कुछ देर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, इसके साथ कार्डियो भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथिंग में वजन उठाने से ना डरें, इसके लिए ट्रेनर की मदद ले सकते हैं। वर्कआउट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हैं। मसल ग्रोथ के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन डाइट भी जरूर लें। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।